हेलो एवरीवन क्या हाल चाल so हम लोग करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड की आप अपना रिविजन आराम से फटाफट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर सवाल आते हैं तो भाई ग्रोथ क्या है ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म

इंक्रीज इन प्रोटोप्लाजम इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर लाइक इंक्रीज इन फ्रेश वेट इंक्रीज इन ड्राई वेट लेंथ एरिया वॉल्यूम और सेल नंबर याद रखिएगा सबसे एक्यूरेट इसमें होता है इंक्रीज इन ड्राई वेट फ्रेश वेट चेंज करते रहता है ठीक है तो जैसे देखो सेल साइज तो नंबर ऑफ सेल से निकाल सकते हैं लेंथ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब से कर सकते हैं सरफेस एरिया ग्रोथ ऑफ अ डॉर्ची लीफ सरफेस एरिया से मेजर कर सकते हैं ठीक है तीन तरह का फेज होता है एक होता है मेरिस्टमैटिक फेज जहां पे ग्रो करते हैं दूसरा होता है इलोंगेशन फेज जहां पे बड़ा होता है और तीसरा होता है फेज जहां पे करके बिल्कुल कर जाते हैं ठीक है याद रखिएगा मेरिस्टमैटिक फेज में आपका प्राइमरी सेल वॉल होगा इलोंगेशन फेज में भी आपका प्राइमरी सेल वॉल होगा और उसके बाद मेच्युरेशन फेज में जैसे जाएगा तो सेकेंडरी सेल वॉल आने लगेगा ठीक है ग्रोथ रेट क्या होता है इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज द ग्रोथ रेट दो तरह का ग्रोथ होता है अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ठीक है अरिथमेटिक मतलब एक से दो बना दो से तीन बना तीन से चार बना तीन, चार से पांच बना पांच से बना इसको हम अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी ठीक है तो यह आप जीरो गया गया? और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है दूसरा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है इसमें क्या होता है बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन तो एक से दो, दो से चार चार से आठ आठ से सोलह इसको हम कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ तो क्या हो गया W इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई अपॉन आर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई अपॉन आर टी तो ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिखा रहा है या इसको ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बोलेंगे तो ये वाला ग्रोथ लीनियर होगा और ये वाला ग्रोथ आपका जे शेप होगा ऐसे बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में

ज द प्रोसेस इन विच सेल इन मेरिस्टेम एंड केम्बियम डिफरेंशियट एंड मेच्योर टू फॉर्म स्पेशल फंक्शन ठीक है इन दिसवॉल एंड प्रोटोप्लाजमो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कैपेसिटी ऑफ सेल डिजन इज लॉस ठीक है लॉस ऑफ प्रोटोप्लाजम टू फॉर्म ट्रेकरी एलिमेंट यह भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया है ठीक है सेलवॉल्स हैज टू कैरी वॉटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर वो भी है

और बटरकप में तुमको दिखता है आपका प्लास्टिसिटी बटरकप में तुमको दिखता है प्लास्टिसिटी ठीक है तो हेट्रोफिली ड्यू टू इनवायरमेंट डिफरेंस इन शेप इन लीव प्रोड्यूस इन एयर एंड वाटर तो यह बटरकप में आ जाएगा ठीक है अच्छा फैक्टर्स कंट्रोलिंग डेवलपमेंट क्या क्या फैक्टर्स हो गए इंटेंसिव फैक्टर अंदर वाला फैक्टर और फैक्टर दैट इज लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ठीक है अब आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जहां से कहानी की शुरुआत एक्चुअली में होनी चाहिए तो भाई ग्रोथ के लिए कौन कौन सा है ग्रोथ के लिए auxin, giverlin, और साइटोकैन होगा ठीक है और इनिवेटर के लिए तुम्हारा एसिड होगा दोनों में फिट कर जाता है ठीक है बट ज्यादातर इनिवेटरी एक्टिविटी शो करता है ठीक ऑक्सीजन चार्ल डार्विन एनिस्ट फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व दैट द कोलियो ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्डेड टू यूनी लेटर बाय ग्रोइंग लाइट ठीक है। तो ही, इट वॉज कंक्लूडेड एट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल कॉज बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल, ठीक डिस्कवर किया, था, और फ्रांसे, ने, ने किया of of seedling, दोनों पे सवाल आया हुआ है? और इंसान में ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन आइसोलेट कराया गया था ठीक है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिक्सेस ऑफ स्टेम रूट माइग्रेट टू द रीजन ऑफ एक्शन बिल्कुल तो क्या क्या काम करता है ऑक्सीजन दो तरह का ऑक्सीजन होता है सिंथेटिक में आ गया आपका एन ए एंड टू फोर डी टू डाइक्लोरोटिक ठीक है तो ये दो नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन पे सवाल आता है फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला रूट एंड स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोमोकेशन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एपल इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग इन पाइन एपल बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट्रॉप प्रमोट एप्सिशन ऑफ गोल्डन लीफ इंड पार्थेनोकार टोमेटो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है यूज एज हरवी साइड किसके लिए डायकॉट वीट को मारता है मोनोकॉड वीट को नहीं मारता याद रखना ठीक है देखिल डायकॉट वीट एंड कंट्रोल्स

फर्स्ट डिस्कवर्ड है एंड इट इज द मोस्ट इंटेंसिव स्टडी कहां से फुरोई, तुम्हारा फंगस होता है और फुली इन राइस. तो यहां से तुम्हारा ये आया था तो क्या कुरोसोवा गिबरला फूजी कुरोई ठीक है फंगस है तो वहां से डिस्कवर हुआ था ठीक फंक्शन पे आएगा सवाल क्या भैया पहला इलोंगेट एंड इंप्रूव शेप ऑफ फ्रूट सच एज एपल स्टॉक इलांगीज इन लेंथ ऑफ ग्रॉप को डिले करता है स्पीड ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्री है ना और शुगर केन का क्या करता है शुगर केन का इंटरनोड इलांगन कराता है ठीक है इंटरनोड इलांगन मेच्योरिटी पीरियड को कम करता है और बोल्टिंग अगेन इंटरनेट इलागेशन इन बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट विथ रोज मतलब लेंथ बढ़ाने का काम ये सारा जो है गिबरलिन करेगा लेंथ बढ़ाने का काम ये सारा जो है गिबरलिन करेगा ठीक है साइटोकाइनिन स्कूग एंड मिलर ठीक है कहां से स्टार्ट किया था ईस्ट और कोकोनट मिल्क ऑफ डीएनए वहां से तुम्हारा आया था स्कूग एंड मिलर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द एक्टिव सब्सटेंस एंड टर्म एज काइनेटीन ठीक है Kynetine, ठीक है बिल्कुल सही क्या होता है एडिनिन डेरिवेटिव भैया वो याद रख लेना इट इज एन एडिनिन डेरिवेटिव कहां से फ्रॉम ऑटो हेरिंग स्पॉम डीएनए से ठीक है काइनेटिन नेचुरली अकर नहीं करता प्लांट में ठीक है नेचुरल साइटोकाइनज इज सिंथेसाइज इन रैपिड इलॉन्गेटिंग सेल्स रैपिड डिवाइडिंग सेल्स ठीक है फंक्शन नहीं लिखा इसका फंक्शन क्यों नहीं लिखा कोइन तो ये तुम्हारा सेल डिवीजन का मेजर फंक्शन करेगा तो साइटोकाइन जहां भी सेल डिवीजन हो रहा है ठीक है वहां पे साइटोकाइनिन फंक्शन करेगा एंड इट रिड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इट काउंटर्स एपिकल डोमिनेंस ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं इथैलीन की बात करते हैं कजिन अगेन साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है इथलिन क्या करता है भैया तो राइपनिंग और स्टोर्ड बनाना कराता था ठीक है इज अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इट इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाइ टिश्यू सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट तो क्या क्या करता है भैया हॉरिजोटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डायकोर सीडलिंग प्रमोट सेनेसेंस एंड एप्सिसन इन प्लांट ऑर्गेन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग ठीक है सीड डॉरमेंसी को ब्रेक करता है इंटरनोट इलोंगेशन इन डीप राइस अब देखो सब जगह इंटरनेट इलांगेशन गिबलिन करता है डीप वाटर राइस प्लांट में इथ करता है ठीक है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स एंड मैंगो ठीक है इट इज वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर तो जो इथोफोन होता है यही सॉल्यूशन होता है जो रिलीज करता है इथाइलिन गैस जिसको पकाने के काम में हम यूज करते हैं राइपनिंग ऑफ टोम एंड एप्पल्स ठीक है स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इट इज कैरोटीन ठीक है प्रमोट करता है तो इनिवेटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मैकेमिनेशन क्लोजर ऑफ टोमेटा करता है टॉलरेंस टू प्लांट फॉर एनी का स्ट्रेस हॉर्मोन कहते हैं और सीड डेवलपमेंट डोरमेंसी में हेल्प करता है ठीक है अगर दो पीजीआर साथ काम कर रहा है तो इसको हम सिनर्जेस्टिक रोल कहेंगे अगर उल्टा काम कर रहा है तो एंटागोनिस्टिक होता है ठीक है तो याद रखिएगा एबीए एंटागोनिस्टिक होता है गिवरलिक एसिड के साइटोकाइनिन और मोर और लेसिकली काम करता है एक्सेप्ट फॉर एपिकल डोमिनेंस ठीक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जीआर इंटेंसिक फैक्टर तुम्हारा हो गया, extrinsic factor में लाइट और टेंचर हुआ ठीक है? अब रोल ऑफ टेंचर की बात करेंगे, इसको photoperiodism कहते हैं, क्या भैया? तो तीन तरह के होते हैं लॉन्ग डे प्लांट मतलब एक्सपोजर ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए क्रिटिकल पीरियड्स से तो ग्रो करेंगे शॉर्ट डे प्लांट एक्सपोजर ऑफ लाइट कम चाहिए क्रिटिकल पीरियड से तब ग्रो करेंगे और डे न्यूट्रल में कोई मतलब नहीं है लाइट ड्यूरेशन से ठीक है वाइल शूट एपिसेस मॉडिफाई इन टू फ्लावरिंग एपिसेस दे बाय दमसेल्स कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड तो साइंस साइट ऑफ परसेप्शन इज अवेलेबल इन लीव तो याद रखिएगा फोटो पीरियडिज्म के लिए परसेप्शन ऑफ लाइट ज अवेलेबल इन लीफ ठीक है ये याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. है इसको हम वर्नलाइजेशन कहते हैं जैसे सम फूड प्लांट लाइक वीट बार्ली राई है स्प्रिंग वराइटी है दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग और फ्लावर तुम्हारा

मिल जाएगा मिलते हैं अगले एपिसोड में टेक केयर बाय बाय वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें आई इन क्लास बाय